जय हिंद दोस्तों, ये सुषमा डेयरी है, हरियाणा के जिला करनाल में गांव पड़ता है, बीवीपुर जट्टा। कृष्ण जी हैं और इनके पत्नी हैं सुषमा जी, उन्हीं के नाम से डेयरी है। ब्रीडिंग का काम करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। भारत के हर प्रदेश से किसान जो इनसे जुड़े हुए हैं वो यहाँ आकर के इनके पास रहते हैं। 10 दिन की ये सिखलाई देते हैं और उसमें पूरी तरह ट्रेंड कर देते हैं। इन्होंने हमको बताया कि बहुत से किसान इनसे सिखलाई लेकर के आज सफलता के मुकाम पर है। तो मिलते हैं दोनों से। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार अंकल जी। कृष्ण कुमार। हाँ जी, कृष्ण कुमार। सुषमा जी। हाँ जी। कितना पढ़े? टेंथ पढ़े। हाँ जी। और ये? ये प्लस टू। ये दो ज्यादा पढ़े। हाँ जी। रुआब दिखाते हैं? नहीं जी, नहीं। अच्छा, नहीं तो कोई रुआब नहीं दिखाते। जितनी आपके पास गाय हैं? हाँ जी। तो सब मुकाबले वाली हैं? हाँ जी। इनाम जीत के आई? हाँ जी। कितना पैसा मिलता है इनाम का? पैसा तो जी देखो, ये मान लो 5-10 हज़ार 20 हज़ार। हाँ जी, हाँ जी, मिलते हैं। फिर आपको दे देते? नहीं। हाँ जी, बिल्कुल जी, घर में ही आते हैं वो सब। और कहीं और घर में रहते? हाँ जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, घर में जिम्मेदार रहने वाली बात। हाँ जी। तो तीन काम आप करते हैं? हाँ जी। गायों को संभालना? हाँ जी। बच्चों को संभालना? हाँ जी। और ये सारा जो है साफ सफाई करना? हाँ जी, बिल्कुल जी। अकेले करते हैं? नहीं जी, लेबर भी है साथ में, लेकिन साथ में हम पूरी फैमिली का सपोर्ट है जी, पूरी फैमिली काम करते हैं। बुजुर्ग खुश हैं? हाँ जी। कृष्ण जी। हाँ जी। कितने साल से कर रहे हो? मैं अंकल जी 15 साल से कर रहा जी। 15 साल से? हाँ जी। कितने लोगों को सिखलाई दे चुके हो? मैं सिखलाई का ट्रेनिंग का काम मेरा 2 साल से है। 2 साल से? 2 साल से। और मेरे पास 2 साल में कितने लोगों को सिखला दिया? कम से कम भी 60-65 के आसपास मेरे पास आ चुके हैं। और जिसमें से मान लो देखो, सभी आदमी तो काम करने के लिए नहीं आते, कई तो देख के पीछे हट जाते हैं। और जो मन बनाते हैं हमें तो करना ही है, उनमें 30 से 35 लोग हैं जो ऐसे काम पे लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। और मैंने उनको यहाँ से गायें भी दिलवाई थी। वही मैं 2-3 दिन के लिए महाराष्ट्र गया था, नागपुर के पास काटोला है, तो वहाँ एक फार्मर है मेरा, उसने मेरे ही डिजाइन का सेट बनाया है अभी। तो वो पिछले साल लेके गए थे 10 गायें, और इसका इस साल भी वो 10 गायें और 10 बछड़ियाँ लेके गए थे। उनका फार्म बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा। तो जब आपके पास सीखने के लिए आते हैं? हाँ जी। तो आप पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये चलेगा या नहीं चलेगा? हाँ देखो जी, उसके आव भाव से मान लो आए जो देखो काम करने की, मान लो मशीन लगानी भी सीखेगा, फीड डालनी भी सीखेगा, और जो मान लो हम फीड सप्लीमेंट देते हैं पशुओं को, उसके बारे में सारा पूछेगा, जो उसका पहले ही पता लग जाता है ये काम करेगा या नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, पता लग जाता है। हाँ जी, पहले ही पता लग जाता है। तो क्या क्या सिखलाई देते हैं आप? सिखलाई में तो हम जैसे मान लो मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे उनको, मान लो पशुओं का रख रखाव कैसे, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में कैसे रखते हैं, उनके फीड के बारे में एज वाइज, मान लो बच्चों को काफ स्टार्टर डालना है, फिर उसके बाद काफ ग्रोवर, फिर हिफर फीड डालनी है, और फिर उसके बाद ड्राई, और फिर ट्रांजिशन फीड, और मिल्किंग वाले को मिल्किंग, सब फीडिंग के बारे में बताते हैं। और हम 10-11 साल से साइलेज भी अपना खुद का दबा रहे हैं, उनके साइलेज के बारे में बताते हैं और साइलेज के फ़ायदे बताते हैं, साइलेज से क्या क्या बेनिफिट हैं, और साथ में ब्रीडिंग के बारे में बताते हैं। मान लो मैं 2010 से ब्रीडिंग पे काम कर रहा हूँ, और आज मेरे फार्म में 7वीं जनरेशन है जो दूध में है मेरे अपने खुद की। तो मैं उनको ब्रीडिंग के बारे में बताता हूँ, आपको ऐसे सिमल लगाना चाहिए, मान लो वर्ल्ड वाइड का, डेनमार्क का, ABS का, जो भी अच्छा सिमल अच्छा लगे वही अपने एनिमल में लगाओ, और बछड़ी अच्छी आएगी तब ही फार्म अच्छा चलेगा। ये पक्की बात? ये पक्की है, 100%। तो ब्रीड कैसे तैयार करनी है सारी जानकारी पा जाते हैं वो लोग? हाँ जी, सारी जानकारी पा जाते हैं वो। सुषमा जी। हाँ जी। वो जो आते हैं सीखने के लिए 10 दिन आपके पास रहते हैं? हाँ जी। तो फिर कहाँ होटल में रुकते हैं खाना खाने? नहीं जी, नहीं, यहीं पे खाना खिलाते हैं। हाँ जी। क्या क्या? मीट मछली? नहीं जी, नहीं 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 जी, सादा खाना, बिल्कुल सादा खाना। आपने हमसे तो पूछा नहीं खाना। हम ब्राह्मण लोग हैं अंकल जी, हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते जी। अच्छा। हाँ जी। तो फिर कई शराब वाले आ जाते हैं, पहले ही मना कर देते हैं?
ना ऐसा तो जा सकता कोई अभी तक तो आया नहीं। अच्छा नहीं आया जी अभी तक ऐसा, मतलब यहाँ नहीं चलता। उसको पहले ही बोल देते हैं जी, महाराज मान लो ना तो हम वैसे तो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं पंडित जी, तो हम मान लो पहले ही बोल देते हैं भाई देखो ये गाय का काम है तो इसमें तो मान लो दारू तो हम खुद नहीं पीते तो हम आपको कैसे पीने देंगे, नहीं मांस ना मछली कुछ नहीं चलेगा, यहाँ सादा खाना मिलेगा आपको, रहने की अच्छी व्यवस्था मिलेगी, दूध पीने को मिलेगा, शराब की जगह दूध मिलेगा, जब दूध का काम है तो दूध ही पीने को मिलेगा, तो शराब वाला कोई काम नहीं है। शेड पे कितना खर्चा आया? शेड पे इस पे अंकल जी 10 से 11 लाख रुपए आया है। कितनी ऊंचाई रखी है? इसकी हाइट सेंटर में से 24 फीट है और साइड में से 16 फीट है ये। तो कितना रकबा है? ये रकबा तो जो हमारा सारा आधा एकड़ है टोटल लगाए, जो मान लो बिल्डिंग वगैरह जिसमें सारी बनी हुई है आधा एकड़ है। हाँ सारा आधा एकड़ है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो साइलेज जो है कितना डालते हैं? साइलेज जी हम अपना गाय के हिसाब से डालते हैं, हम 25 किलो के एवरेज रखते हैं गाय के पूरे साल की। अच्छा 25 किलो के हिसाब से मान लो अपने हमने पिट बना रखे हैं कच्चे, तो इन पिटों में ही डाल देते हैं। तो कच्चे क्यों बनाए, पक्के क्यों नहीं बनाए? पक्के अभी थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हमने 2 साल से नया फार्म बनाया है, पहले गाँव में ही था। अच्छा। ब्रीडिंग का काम गाँव से ही कर रहे थे। ये ठीक रहता है? ये दीवारें कच्ची है हमने मान लो, एक तो हमारे यहाँ हरियाणा पंजाब में नीचे खड्डे में साइलेज दबाते हैं, हमने कुछ साल कई साल खड्डे में दबाया तो बारिश वगैरह आ जाती है तो उसमें पानी भर जाता है, तो हमने अब कच्ची दीवारें 2 साल से ऊपर ही बना रखा है, बारिश वगैरह आती है तो पानी निकल जाता है, तो मान लो लेबर को भी इतना मान लो काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो घंटे 2 घंटे में फिर सूख जाता है। मतलब कितने एकड़ की जरूरत पड़ती है आपको? हम एक मान लो पिछले साल हमने 14 एकड़ का साइलेज दबा रखा था। गाय कितनी है? गायें तो मिल्किंग में 14 गायें हैं और 3 हीफर हैं बड़ी जो प्रेग्नेंट है, 1-2 की आई हो रही और 8 काफ हैं छोटे। क्या भाव पड़ता है आपको ये? ये हम हमें पड़ रहा है जी 300 रुपये क्विंटल। खुद ही बनाते हैं? खुद ही बनाते हैं जी। हैं? नहीं नहीं खुद ही बनाते हैं जी। फार्म पे आपके बैग पड़े हुए हैं? हाँ जी। तो कंपनी का नाम है? हाँ जी। तो कंपनी पे विश्वास करते हैं, अपना नहीं बनवाते? नहीं जी, फॉर्मुलेशन हमारी है जी। आपकी है? हाँ जी। क्या क्या डालते हैं इसमें? मक्की है जी, सोया है जी। और सर्दी के हिसाब से सर्दी में जैसे तिल वगैरह अलसी वगैरह है। सर्दी की अलग है गर्मी? हाँ जी वो अलग है। तो कितना खर्चा पड़ता है वो एक एक बैग के ऊपर? 40 रुपये के जी आज फिलहाल तो जी। नहीं 40 रुपये के जी तो आपको खर्चा पड़ गया, उसकी बनवाई कितनी देते हैं? बनवाई 200 रुपये क्विंटल देते हैं अंकल जी। 200 रुपये क्विंटल? 200 रुपये क्विंटल। और 20 रुपये का बैग है इसमें, 50 किलो का बैग है। बैग तो बैग नया है तो वो उसके पैसे वो देता आपको बैग के? नहीं बैग तो उन कौन से लेते हैं जी बैग हम? तो फिर पैसे नहीं देते वो? नहीं पैसे हम देते हैं ना। आप क्यों देते हैं? वो तो ऐड तो उसकी हो रही है। नहीं ऐड तो हो रही है अंकल जी, हमें तो बैग अपना हर बार देखो फार्मर वहाँ भी काफ़ी आते हैं फीड बनवाने के लिए, लेकिन मैं हर बार नया ही बैग लेके आता हूँ। अच्छा। और पुराना बैग हमारा चला जाता है 10 रुपये में, उसके पास वापस चला जाता है। और 20 रुपये में हमने जब मान लो फीड पे 40 रुपये के जी खर्च कर दिया तो 20 रुपये का एक बैग लगाने में कोई बड़ी बात तो है नहीं। सुषमा जी। हाँ जी। ये 22 नंबर है? हाँ जी। तो आपने खुद पाली है? हाँ जी बिल्कुल खुद पाली है। मेला जीती हुई है? हाँ जी। नहीं लोग तो वैसे ही मोल लेकर के बाजार से लगा ना जी, हमारी असली तो, है? हाँ जी बिल्कुल। तो कहाँ सर्टिफिकेट इसके? ये तो असली है तो सील, नहीं तो लोग बाजार से ले आते हैं ना जी, ना असली है जी। तो ये है? हाँ जी। तो इसने जो है मिल्किंग में जीता है? हाँ जी मिल्किंग। पहले नंबर पे? ये दूसरे नंबर पे आई है जी। ये दूसरे नंबर पे? हाँ जी। तो कितना इनाम मिला था ये अंकल जी? दिसंबर 2022 में था DFA का कुरुक्षेत्र। इनाम कितना दिया था उसमें? इसके मिले थे 31,000। 31,000? हाँ जी। दे दिए इनको? हाँ जी घर ही। अच्छा घर ही। 49 किलो 740 ग्राम दिया। ये PDFA में अब आया 2023 में, फरवरी में मिला था। हाँ। उसमें फर्स्ट पोजीशन पे आई है दो दांत में। दो दांत में? दो दांत। ये दो दांत में? दो दांत में। हाँ। तो कितनी उम्र है इसकी? इसकी है जी अब 2.5 साल के आसपास। अच्छा 49 किलो 740 ग्राम। हाँ जी। तो पहले वाली का कितना था वहाँ जो फर्स्ट आई थी, याद है? नहीं ये फर्स्ट आई थी यहाँ PDFA में। अच्छा ये फर्स्ट आई थी? DFA में ये सेकंड आई थी यहाँ। अच्छा। इसने जी। हाँ DFA में इसका था 53 किलो 240 ग्राम दूध। तो ज़्यादा था तब भी सेकंड आ गई? हाँ इससे एक फर्स्ट भी था, नहीं उसका 54 था जी। अच्छा इसका 53 था उसका 54 था। अब यहाँ पर फर्स्ट आ गई ये 23 में? हाँ यहाँ पर वहाँ PDFA जाके ये PDFA का यहाँ से 1.5 महीने तो हरियाणा का लेवल ऊँचा हुआ फिर तो? हाँ हरियाणा ये इंडिया में दो दांत में दूसरे नंबर पे ऑल ओवर इंडिया में। अच्छा। मिल्किंग में
और हरियाणा में पहले नंबर पे है दो दांत। तो ये पीडीएफ की है, ये पीडीएफ की है इस बार के अंकल जी 2000। और ये जो है ये डीएफए की है, ये डीएफए का, ये डीएफए का। तो डीएफए में 53 किलो दूध देके भी जो है सेकंड पोजीशन, सेकंड में रहेगी। वहाँ 49 किलो दे करके पौने 50 देके पहले पे, हाँ वहाँ पहले पे। और इससे 48 में कोई 47 में एक हमारी गाय वहाँ पांचवी पोजीशन पे भी आई थी। तो यहाँ पर कितना इनाम मिला था फिर इसको? यहाँ पर 1,00,000 रुपए अंकल जी, सेकंड का, फर्स्ट का जी, फर्स्ट का, हाँ जी। तो डीएफए में सेकंड का मिला था 31,000 रुपए, डीएफए में 31,000। अच्छा, वहाँ 1,31,000 मिला। हाँ जी 1,31,000 इस साल इस गाय ने 1,31,000 के नाम जीता है। ठीक है, हाँ जी। अब कितने दूध पे चली जाएगी ज्यादा से ज्यादा? ये अब तो ये फर्स्ट में है जी। हाँ। अब ये प्रेग्नेंट भी आ गए, तो अभी भी 40 से 42 लीटर दूध अब भी है इसका। इसके साथ में क्या है? इसका मेल था जी, मेल है, हाँ जी। ये दूसरे नंबर पर 18 नंबर, 18 नंबर है जी, पहले 22 था। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हैं आप जी? सभी को, सभी को बराबर? हाँ जी बिल्कुल, सभी को जी। अच्छा। सभी को बराबर प्यार करते हैं जी। तो ये फर्स्ट आई है? ये पिछले साल पीडीएफए का मेला था जी, बद्दोवाल मिल्किंग में, वहाँ दो दांत में ये फर्स्ट आई थी पिछले साल। ये हाँ, ये सर्टिफिकेट है पीडीएफए का। हाँ जी, ये पीडीएफए का पिछले साल का। तो 50 किलो, हाँ जी, 237 ग्राम दूध इसने दिया। हाँ, 50 किलो 237 ग्राम पहले नंबर पर, पहले नंबर पे। तो इसको फिर इनाम कितना मिला था? इसको मिला था उस टाइम 75,000 रुपए। अब इसके साथ में क्या है? इसका फीमेल थी जी पिछले साल की, तो ये प्रेग्नेंट इस साल हुई है, उधर ही है फीमेल भी हमारे पास है। हाँ जी, वो भी दिखा देना। हाँ, वो भी दिखाएंगे अंकल जी। पहले वाले का नाम गंगा था, उसका नाम गंगा। 22 नंबर है वो। हाँ, टैग नंबर 22 है उसका, हमारे फार्म का जो 22 नंबर है उसका नाम गंगा। हाँ जी। इसका क्या नाम रखा फिर? इसका सरस्वती है जी, 18 नंबर। हाँ जी, 18 नंबर का सरस्वती। हाँ जी। तो नदियाँ आपने यहाँ ले आए, दूध की नदियाँ बहाती है? हाँ जी बिल्कुल बहाती है जी। ये तीसरे नंबर पर आ गई। हाँ, ये ब्यूटी में थी जी, पीडीएफ पीडीएफ ब्यूटी में लगाई हुई थी हमने। ले तो गए थे मिल्किंग के लिए, तो इसका थोड़ा दूध कम था वहाँ पर। इसका दूध था, इसका वहाँ था 40 से 42 लीटर। अच्छा। और ये 24-25 दिन की काविंग की थी। कौन सी ब्यां था ये? फर्स्ट है जी, दो दांत है जी, दो दांत है। हाँ जी, वो भी दो दांत, वो भी दो दांत है जी, दोनों। हाँ जी, ये तीनों में तो दो दांत। हाँ, तीनों दो दांत है जी। इसका क्या नाम है? इसका नाम सुषमा है जी, सुषमा। हाँ जी, तो सुषमा तो आपका नाम है, इसी के नाम पे नाम रखा हुआ है जी इसका, हमारे नाम से रखा। आपने अपने नाम से रखा। अब ये बोलो ना कि इससे ज्यादा प्यार करते हैं, 26 नंबर है। तो कितना इनाम जीत के लाई है? इसके मिले थे 11,000 रुपए। ये 8वें नंबर पे आई थी ब्यूटी में, ब्यूटी में 8वें नंबर, ब्यूटी में। हाँ, 8वें नंबर पे आई थी। अच्छा। हाँ, तो मेले में गए थे जी, मैं सोचा है चलो इसको भी लगा देते हैं, ब्यूटी में लगा देते हैं। ये अगली आ गई। हाँ जी, ये 26 नाम क्या है इसका? ये 29 नंबर है जी, टैग नंबर। तो नाम है इसका जागृति, जागृति। हाँ जी, हाँ जी, पूरी जागृति। हाँ जी, हाँ जी, सबको जागृत कर देती है। हाँ जी, हाँ जी, हैं? हाँ जी। कितना दूध देती है ये? अभी 40 से 42 लीटर दूध आया, दो दांत है अभी ये भी। हाँ। और फर्स्ट लैक्टेशन किया है। अच्छा। और ये भी पीडीएफ में हम इसको लेके गए थे। हाँ। तो वहाँ पर ये पांचवी पोजीशन आई है इसकी, और पांचवी पोजीशन में इसने इसका दूध, ये सर्टिफिकेट है, और दूध था इसका 47.235 ग्राम। 47.235। हाँ, ये पीडीएफ का है इस बार का। अच्छा। वहाँ पर पांचवी पोजीशन पे थी ये तो सर्टिफिकेट, पहले मुझे दिखा चुके? नहीं। अच्छा, नहीं दिखा, वो दूसरी का था। अच्छा, दूसरी का था। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आई है वहाँ पर 5वें नंबर। हाँ, ये 5वें नंबर पे आई है। पैसे से मिले कुछ? हाँ जी, इसके 11,000 रुपये। 11,000। हाँ जी। ये आ गई, ये 20 नंबर। हाँ, 20 नंबर है टैक नंबर। हाँ। और नाम है इसका दीपांशी, दीपांशी। हाँ जी, हाँ जी। नाम बड़े बढ़िया रखे आपने। बस कई लड़कियों के नाम तो नहीं रख दिए? नहीं, लड़कियों के नहीं रखे। हाँ जी, तो लड़कियों से प्यार है इनको भी, हो गया तो लड़कियों के ही रख दिया। हाँ। तो अब इसने जो है 45.293, 45 किलो 293 ग्राम दिया। हाँ, ये पिछले साल पीडीएफ में दो दांत में थी, दो पिछले साल थर्ड आई थी, ये थर्ड पोजीशन पे थी। अच्छा। ये भी दो दांत में थी मिल्किंग में। हाँ। थर्ड पोजीशन आई थी इसकी, और इसका 21,000 रुपये इनाम मिला। 21,000 मिला। हाँ जी। तो ये दो दांत में है, तो कितना दूध ये दे देगी? यह भी अब सेकंड बार काविंग होगी इसकी, अक्टूबर में बढ़ेगी। हाँ जी, बढ़ेगी, हमें उम्मीद है इससे 60 लीटर की। 60 लीटर से जाएगी? हाँ, आराम से जाएगी। कौन सी ब्यांत में? दूसरे में जी। दूसरे में? हाँ जी। तीसरे में पक्का चली जाएगी? तीसरे में तो पक्का जाएगी, 70 के आसपास। तो 70? अच्छा। हाँ जी। ये 23 नंबर। हाँ जी, हाँ जी। इसका क्या नाम रखा है? काव्या। काव्या। हाँ जी। कविता करती है? हाँ जी बिल्कुल, कविता करती है। तो ये सर्टिफिकेट इसका है? हाँ जी, इसका। मिल्किंग में गई थी? हाँ जी, मिल्किंग में। 45 किलो 217 ग्राम। हाँ जी। प्रोग्रेसिव डेयरी फार्म एसोसिएशन रजिस्टर्ड, पीडीएफ की है। तो
तो ये दो दांत लड़ा इसने भी? हाँ जी, ये डीएफए में भी थी। अच्छा, जो इस बार डीएफए था कुरुक्षेत्र, हाँ। उस पे यहाँ चौथी पोजीशन पे थी, हाँ। और दूध यहाँ था इसका 49.247 ग्राम। अच्छा, यहाँ पर ये पांचवी पोजीशन, चौथी पोजीशन पे थी। अच्छा, और फिर ये हम इसका पीडीएफ में भी लेके गए, वहाँ कम हो गई। वहाँ इसका एक तो दांत टूट गया, हाँ। ये दो दांत में लगानी थी हमने, हाँ। फिर उसमें वहाँ चार दांत वाली भी कैटेगरी थी। अच्छा, तो हमने उसमें लगा दिया। और ये दांत टूट गया, कम हो गया फिर? नहीं, कम तो हो गया जी, वो तो फिर मान लो पर दो दांत में थी, हाँ। तो वहाँ जाके बड़ी, तो इसके चार दांत होगी, तो चार दांत में हमने लगानी पड़ी फिर। हाँ। ये उस टाइम पे वहाँ पीडीएफए में प्रेग्नेंट थी। अच्छा, और डीएफए में ये मान लो प्रेग्नेंट नहीं थी, हाँ। तो प्रेग्नेंट होने के बाद 2-4-5 लीटर दूध तो कम हो जाता है। अब इसने जो क्या दिया इसने? इसकी फीमेल है जी, बछड़ी है। तो उसका बछिया का क्या? उसका नाम जमुना रखा हुआ है जी। जमुना रख दिया। हाँ जी, सारी नदियाँ यहीं पे ले, बस सारी यहीं पे ले रखी जी। हाँ जी, तो इनाम तो आपने बहुत जीते हैं। हाँ जी, तो मैं कपड़े तो मेले कुचाले पहनते हो? बस पशुओं में तो मेले कुचाले पहनने पड़ते हैं जी। तो आज तो वीडियो बनवानी थी? वीडियो वाला कोई चक्कर नहीं अंकल जी। अच्छा। देखो, वीडियो पशुओं से अच्छी नहीं है। अच्छा, पहले पशु है, हाँ। अगर मान लो हम अपनी साफ सफाई की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो पशुओं को कहाँ से ध्यान रखा जाएगा? तो ये बताओ कि वो आपने सिखलाई दी है? हाँ जी। तो सिखलाई जो दी है, तो आज जो कामयाब लोग हैं उनको मिला दो मुझे मोबाइल से। हाँ, मैं एक दो के नंबर मिलाता हूँ अभी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, रविंदर भैया, रविंदर बैना जी। अच्छा, ब्याना, कहाँ से हैं आप? ब्याले में। हैं जी? ब्याले में। नहीं, आप कहाँ से हैं? ब्याले से हूँ। ब्याना कहाँ पर है ये? ये करनाल डिस्ट्रिक्ट, तहसील इंद्री। अच्छा, तहसील इंद्री में ही है, यहीं पड़ोस में ही। हाँ। तो इनसे कृष्ण जी से सिखलाई ली? ये तो खुद ही मक्खन चुरा लेते हैं, आपको क्या देंगे शिक्षा? ये तो खुद ही मक्खन चुरा के खा जाते हैं। ये तो खाएंगे ही, इनका नाम ही कैसा है, मक्खन तो चुरा के खाएंगे ही। कितना पढ़े हो आप? मैं? हाँ, प्लस टू। खेती है? हाँ, खेती है। तो इनसे सीखा 10 दिन? सब इनसे सीखा है, खेती करना भी इनसे सीखा है। अच्छा, हाँ। तो घर जैसा प्यार मिला, वो सुषमा जी जैसे थी? अरे क्या बात है। तो अब कितनी गाय रखते हैं आप? मेरे पास है 10-12 पशु। 10-12 पशु, चलो कभी मिलने आएंगे, धन्यवाद। ठीक है सर। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। हेमंत। हाँ बोलिए सर। कहाँ से हैं? मैं नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र से हैं। कितना पढ़े हैं? मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। क्या बात है, कौन से सब्जेक्ट से? विषय कौन सा रहा सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, फिर तो आप आर्थिक स्थिति सुधारने वाले हैं। तो वो कृष्ण जी से सिखलाई ली आपने? कौन जी? कृष्ण कुमार जी से आपने सिखलाई ली यहाँ आकर के? हाँ, मैं वहाँ पे आया था ट्रेनिंग के लिए, मेरे ख्याल से 15 दिन का ट्रेनिंग था उस टाइम में हमारा। अच्छा, हाँ जी। पैसे बहुत लेते हैं? मेरी वाइफ भी आई थी, हम दोनों साथ। अच्छा, दोनों आए थे। हाँ जी। तो 15 दिन में सीख गए बिल्कुल? डेयरी मैनेजमेंट तो सीख गए। अच्छा, आप बताओ कि सीखना कितना जरूरी है? सीखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं सीखेंगे तो? नहीं सीखेंगे तो जहाँ तक मेरे जैसे का जो अनुभव है, अपन नहीं टिक पाएंगे। अच्छा, नहीं टिक पाएंगे। तो आप जॉब वगैरह करते हैं आप? अच्छा, आप अभी जो अपने यहाँ किसान लोग गाय पालते हैं वो चीज अलग है और डेयरी फार्म अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ भी पहले पुरानी गाय थी, हमारे घर पे भी थी देसी गाय वगैरह। हाँ जी, उसमें और डेयरी फार्म में बहुत फर्क है। तो आपको कामयाबी मिली इसमें, तो कृष्ण जी का कितना योग, सुषमा जी का कितना योगदान मानेंगे? तो कृष्ण जी और सुषमा जी हैं यहाँ पर, तो आपकी कामयाबी में इनका कितना योगदान मान के चले हम? मेरी कामयाबी में उनका पूरा सहयोग है, मतलब मेरी मेहनत अगर छोटी तो उनका 100% जो टेक्निकल चीजें हैं उसमें पूरा 100% उनका ही है। अच्छा, आपने इकोनॉमिक्स में एमए किए है तो पूरा हिसाब किताब लगा के चलते होंगे, तो जॉब भी करते हैं कहीं पे? मैं पहले
कितने पैसे मिलते थे? मेरी सैलरी 1 लाख मतलब इन हैंड आती थी मुझे, 1 लाख 1 लाख। तो अब नहीं करते? नहीं, मैं छोड़ दिया जॉब। 1 लाख छोड़ करके इसमें, 1 लाख छोड़ के पशुओं के काम में आ गए? अरे वाह। हाँ जी, हाँ जी यार, आप तो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं यार, हिसाब लगा लिया। तो आपसे मिलने आएंगे हम। जरूर जरूर, धन्यवाद। जरूर। सुषमा जी, हाँ जी, तो वो बच्चों से बहुत प्यार? हाँ जी, बहुत प्यार है जी। और कृष्ण जी से? इनसे भी है जी। तो इनको तो आप खाने पीने को बहुत देती हैं। वो बच्चे जो हैं वो तो सूखे हुए हैं ऐसे। नहीं जी, नहीं, तो उनको दूध नहीं देती? नहीं देते हैं जी, दूध देते हैं बिल्कुल। मोटे नहीं होते ना? अब उनको ना लगे जी, वो मेरी तो गलती नहीं है ना। मैं तो उनको दूध भी उनके लिए जैसे दाबड़ा वगैरह डालते हैं, सर्दियों में पूरा साल चने का वो सब डाल के रखते हैं, घी मक्खन कोई कमी नहीं है। अब इनको ना लगे जी, मैं क्या करूँ, मैं भी पतली हूँ। ठीक है, चलो। विनीत जी, जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, कहाँ से हैं बंधु जी? मैं शामली बोलते हैं जी, जगह को, जिला है जी। उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश जी। अच्छा, तो कितना पढ़े हैं आप? जी मैंने बीए किया हुआ है। अच्छा, बीए किया हुआ है। खेती वगैरह है? हाँ जी, खेती है जी अपनी। कितनी है? जी 4 एकड़ है जी। अच्छा, तो पशु कितने रखते हैं? जी पशु जी अभी 10 है। तो ये 10 पशु आपने खरीदे हैं, कितने साल हो गए काम करते हुए? जी अभी जी मुझे हो गया जी 2 साल। अच्छा, तो ये सुषमा जी और कृष्ण जी हैं, सुषमा डेयरी, तो इनको कैसे जानते हैं? जी मैंने पहले इनका वीडियो देखा था जी यूट्यूब पे। हाँ। फिर मैंने ट्रेनिंग लेने के लिए गया जी, और बस जो भी हूँ जी मैं तो इन्हीं की बदौलत हूँ जी आज। अच्छा। सुषमा को माँ नहीं कहा आपने? सुषमा को माँ नहीं बोला, कृष्ण को पिता समान बोल दिया जी। अगर मतलब गुरु पिता है तो गुरु माता तो माता है ही जी। अच्छा, अपनी अपनी फोटो जरूर भेजना मुझको। जी बिल्कुल। किता अच्छा, नमस्कार नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। चलो मिलेंगे। हेलो हेलो, श्रद्धा जी। हाँ हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार, और कैसे हो? कैसे हो आप? कैसे हो? हम ऐसे अच्छे हैं जी, बढ़िया। बढ़िया है? हाँ जी। आज क्या चल रहा है? आज आज वीडियो क्या चल रहा है आपका? आज वीडियो बनवा रहे हैं, वीडियो वाले आए हैं। आएंगे ना, अभी जून की छुट्टियों में आएंगे, बच्चों की छुट्टियां पड़ेंगी जून में। हाँ जी। ले बा, ए अंकल जी हैं वीडियो बनाने के लिए आए हैं, इनके साथ बात करना 2 मिनट। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, क्या नाम है आपका? श्रद्धा। श्रद्धा, तो जितनी गायों में श्रद्धा है उतनी कृष्ण जी और सुषमा जी में भी है? गायों के प्रति श्रद्धा जितनी है आपके मन में, तो उतनी कृष्ण जी और सुषमा जी के प्रति भी रखते हैं श्रद्धा? हाँ हाँ। इनसे इनसे सीखा आपने? उन्हीं से तो सीखा है। कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। कौन सा गांव? नागपुर। हाँ हाँ नागपुर। तो कितनी गाय रखते हैं? अभी 25 है। अच्छा 25 हैं, तो क्या भाव जाता है? दो यानी छोटे बच्चे बड़े। दूध क्या भाव बिकता है? दूध 35-36 ऐसा जाता है। तो फीड महंगा है, आप सरकार से बोलते नहीं कि रेट बढ़ाओ? सरकार से तो सब बोल चुके, वो तो हमने हंगामा भी किया था, दूध फेंक दिया था रास्ते में। वो थाली बजा दो ना जोर से। फिर भी सुनती नहीं ना उसका। वो अगर थाली बजाओगे इकट्ठे होके फिर सुन लेंगे। थाली बजा ना, दूध फेंक दिया रास्ते पे, तो भी नहीं ये किया। अरे तो इनके पास कितने दिन रह के सीखा आपने? वहाँ पे 15 दिन थे। तो खाना वाना मिलता था? हाँ हाँ। प्यार से या वैसे रूखे मन से? बिना खाना खाने फिर भग के आ जाते थे। तो आपसे मिलने लिए आएंगे हम लोग? हाँ? आपसे मिलने के लिए आएंगे हम लोग? आना आना जरूर आना। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरा मेरा एमएससी है। एमएससी? हाँ
हाँ, क्या रहा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या रहा? केमिस्ट्री? हाँ, हाँ। अच्छा, तो फिर तो साइंटिस्ट है भाई। तो फिर जॉब नहीं करते क्या? किए थे ना। कितने पैसे मिलते थे? अरे ये प्रोफेसर थे। अच्छा, तो हाँ, हाँ। प्राइवेट था गवर्नमेंट था? प्राइवेट था। तो कितने? 12 साल जॉब किए। अच्छा, कितने पैसे देते थे फिर? वो मिलते थे 22-25। पैसे कम मिलते थे? हाँ। तो फिर तो आप जानते होंगे कि दूध में क्या मिला दिया जाए कि दूध ही लगे। नहीं, नहीं मिलाते। नहीं। बहुत बढ़िया बात है, बड़े अच्छे विचार है आपसे, धन्यवाद। तो ये श्रद्धा जी आपके पास कैसे पहुंच गए? ये इनके भाई स्विट्जरलैंड गए हुए हैं। अच्छा। उन्होंने हमारी वीडियो देखी है। हाँ, हाँ जी। तो वीडियो देखने के बाद इन्होंने अपनी बहन को फोर्स किया कि हाँ, भाई आप उधर हरियाणा में जाओ, हाँ, और वहाँ ट्रेनिंग लेके आओ, वो काम शुरू करेंगे हम, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे आए वो, 15 दिन फिर हमारे पास रह के गए वो। अच्छा। उस भाई के कहने पर ये काम देख के उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी दोनों ने जी, चेन्नई में जॉब करते थे। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। प्रिंस कुमार जी। हाँ, तो कहाँ से हैं आप? ये वैसे हमारा भी डेरी है, मैं बिहार से बात कर रहा हूँ, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा जी, हमारा भी डेरी है और हमने इनके पास जाके ट्रेनिंग लिया था और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इनके द्वारा मिली, जो कुछ बारीक की जानकारियाँ हैं जो कि बहुत सारे डेयरी फार्मर्स को पता नहीं होता है, जिसके अभाव में बहुत सारा लॉस होता है जी। तो उन जानकारियों को मिलने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो कि डेयरी बहुत अच्छे से चलाया जा सकता है जी। तो और भी कई सारी बारीक जानकारियां मिली है डेयरी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के। कितना पढ़े हैं आप? कितना एजुकेशन कितनी है आपकी? पढ़े कितना जी? कितना पढ़े हैं आप? मैं तो अभी ग्रेजुएशन कर ही रहा हूँ। अच्छा, अभी कर रहे हैं। कम उम्र है जी। खेती है जी? कितनी खेती है? खेती? हाँ, खेती अपने पास है गांव में 10 बीघे की है। तो अब जॉब नहीं करोगे, यही काम करोगे? नहीं, मैं अभी डेयरी ही करूँगा क्योंकि मैं करियर के तौर पर इसको ले रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। कितना पढ़े हैं? कितना पढ़े लिखे हैं? एमए कर रखी है। एमए कर रखी है? कौन से विषय में? कंप्लीट है सर। नहीं, कौन से सब्जेक्ट, कौन सा रहा? हिस्ट्री। कितने नंबर मिले? कितने नंबर मिले? अच्छा, आसपास हैं, ये पूरा नहीं याद। अभी पास आउट हुआ हूं। अच्छा अच्छा, तो इनको कैसे जानते हैं आप, कृष्ण को और सुषमा जी को? पिछले 2021 में मैंने इनके पास ट्रेनिंग ली थी। कितने मेरा काम स्टार्ट किया थी? कितने दिन की ट्रेनिंग थी? मैं उस टाइम 15 दिन रहा था इनके पास। तो कितनी गाय हैं आपके पास? मेरे पास अब 15-16 हैं सारे मिला के। दूध कितना होता है? अच्छा, 2 क्विंटल गाय। कितना मैक्सिमम कितना दूध देती है गाय? मेरी गाय सारी 35-40 की देती है। अच्छा, बहुत बढ़िया है फिर तो। तो जॉब वगैरह नहीं करते कहीं? क्या नहीं सर, सोची नहीं कभी। तो एमए करके फिर पशुओं के काम में आ गए? कभी अपने ही करना था सर। यहाँ तो पानीपत, कुरुक्षेत्र, तरावड़ी बड़े युद्ध हुए हैं और वो इतिहास में सब दर्ज हैं। आप कहते वो पढ़ेंगे नहीं, हम तो इसमें आ जाएंगे। चलो, कभी मिलेंगे आपसे, धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए।
किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।